सौभाग्य से उसकी फौज में नौकरी भी लग जाती है और वहां से लेटर आता है और यहां से ही वो ज्वाइनिंग करने के लिए निकलता है। जब वो जम्मू कश्मीर में पहुंचता है, आज के समय में तो हालात बहुत कुछ बदल गए, लेकिन ऐसा भी समय आया भारतवर्ष में कि हमारे ही सैनिकों के ऊपर हमारे ही लोग जब पत्थर बरसाते तब उनके दिल पर क्या गुजरती। जब वो लड़का पहली बार ज्वाइनिंग करने के लिए वहां पर जम्मू कश्मीर में पहुंचा तो उसके ऊपर पत्थर बरसे, उसको समझ में नहीं आया कि मैं भारत में हूं कि पाकिस्तान में, कहीं ये बस मुझे पाकिस्तान तो नहीं लेके आ गई। हे मां जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। नसीब है ये क्या तुम्हें बताए, रक्षा को जिसकी जी रहे पत्थर वही बरसाए, कोई कदर हमारी ना फिर भी यहाँ बैठे है, कदर उन्हीं की होती है जो महलों में रहते है। हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। हे मां जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी। अरे भारत माता की, थोड़ा थोड़ा हाथों को हिलाते रहिए बस। कभी संकट में अपना देश साथ चाहिए अभी। देखिए मंच पर भी भोजी विराजमान है और हमेशा उनका यही मानना होता है, उनका यही कहना होता है कि कुछ नहीं मिला हमें ना चाहिए कभी, और संकट में अपना देश साथ चाहिए अभी। पैसे कमाने होते तो कहीं और कमाता, छोड़कर के इतना दूर क्यों आता। भारत भूमि है पहले सब बात में नाता। हे मां जननी जन्मभूमि तू मेरी, तेरे आंचल में है ममता कितनी भरी।